हो सके इम्प्रूव किया जाए। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल तबके और दीगर ऐसे ही कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि यहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर अमल आवरी मुकम्मल तौर पर की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां सरकार ने इन कबाइलियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया ताहम आज तक यह सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहा, जमीनी सतह पर इसका मुस्बत रुझान नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसका फायदा लोगों को दिया जाए। वाजरे के 13 सितंबर 2021 को एलजी मनोज सिन्हा ने इसका बाजाबता आगाज किया था। इससे जम्मू कश्मीर के दूरदराज जंगलाती इलाकों में रिहायश पजीर लोगों को वो तमाम हकूक हासिल हो पाएंगे जिनके वो हकदार हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि सबसे पहले ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा कमेटी ने इसमें पहल करनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल रहा कि डिपार्टमेंट की जंगलात जो है, इसमें नोडल एजेंसी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि इन लोगों को जो है ये राइट्स मिले। अगर आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया है तो जमीनी सतह पे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये जमीनी सतह पे लागू किया जाए और जमीनी सतह पे लोग इससे मुस्तफीद हो पाए, तभी जाके हम कह पाएंगे कि नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट का हमें सही मानों में उसका लाभ हमें हासिल हुआ। जम्मू कश्मीर में ये नाम पर ही हुआ और अगर सही माने तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सिर्फ एक पंचायत भी नहीं कह सकते, एक गांव की जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ था, वो भी एक जगह हुआ है। तो ये एक सिलसिले हमने पूरे तरह से देखा कि कुछ दिनों ये चला। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून बनाया था, आप बोलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को वो कानून अभी तक नहीं मिला। हमें फिर भी आज भी वो एक आम सफारी एक आम सर रखा जो जंगल की रखवाली करता है, वो हमारे लोगों के ऊपर हैवी रहेगा। ये कानून बिल्कुल, हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माजूर बीवी बुजुर्ग की पेंशन के लिए दरख्वास्त देने वालों की पेंशन शुरू नहीं हो सकी, इसको लेकर शिवसेना ने हिंदुस्तान की जानिब से बिश्ना में एहतजाज किया। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के बाद भी 3 महीने मुकम्मल हो गए, इसके बावजूद इन लोगों की पेंशन जारी नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाए, द्वारा ऑनलाइन कराए, उसके बाद भी आज जो बुजुर्गों की है, जो विडो पेंशन है, वो लोगों की नहीं आ रही। जो जो बुजुर्ग हैं, जही जो पेंशन आती थी 1000 रुपया, उसी से अपनी दवाई और तमाम अपना जो खर्चा चलाते थे, लेकिन सरकार जो है, आज जो है सरकार ने पेंशन बंद करके ये बता दिया है। सरकार जो है इन जो गरीब परिवारों से जो मजाक कर रही है, सरकार को जो समझना होगा और बुढ़ापा पेंशन जल्दी से जल्द जो है लागू करनी होगी। स्कूल एंड हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का कहना है कि कोचिंग सेंटर फीस रेगुलेशन जेरे गौर है। आलोक कुमार का कहना है कि स्कूल से बाहर बच्चों को ओपन स्कूलों में पढ़ने का खसूसी मौका दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक ने न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद से बातचीत की। सेक्रेटरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, गुड टू सी गवर्नमेंट स्कूल्स के इतने सारे टॉपर्स एंड नीट क्वालिफाइड। देखिए, दिस टाइम वी हैड यू नो वी वर ओवरवेल्म विद द रिजल्ट। चिल्ड्रन हैव डन वेल, गर्ल्स हैव आउटशोन बॉयज, एंड देर आर मेनी टॉपर्स, मेनी अचीवर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग फॉर नीट, एंड दे वुड बी गेटिंग एडमिशन टू गुड मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। वी हैव आर ओन मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो, दे विल क्वालिफाई फॉर दैट ऑफकोर्स, बट दोज हु हैव सिक्योर्ड वेल, they would get admission to medical colleges of repute of the country. Besides, I have also informed them that there is a Prime Minister's special scholarship for students of Jammu Kashmir and Ladakh. I was a bit surprised to, you know, see no hands rising up when I asked how many of them have registered for this scholarship. I have asked my special secretary to take the names of all those students who have qualified NEET and we'll make them apply for the scholarship. This is one of the most liberal scholarship which the Prime Minister gives for the students of Jammu Kashmir and Ladakh. It's a special scholarship for 5,000 students.